डियर स्टूडेंट्स फाइलम प्लेटी हेलमेथिस में कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेमोटोड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन इम्पॉर्टेंट ट्रेमटोड्स में लिवर फ्लोक यानी फेसुलिया हिपेटिका एक इम्पॉर्टेंट ट्रेमटोड है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे फेसुलिया हिपैटिका ये एक ट्रेमोटोड है जो कि वर्टिब्रेट्स सिर्फ शीप के अंदर मौजूद होगा और लिवर फ्लोक इसका नाम इसलिए है कि ये होस्ट के लिवर के अंदर मौजूद होता है यानी इसका जो मेन पॉइंट ऑफ अटैक है या रहने का सोर्स है वो है लिवर अब इसके अंदर शीप के अंदर ये मौजूद है वहाँ पे यूजुअली शीप जो है उसको ह्यूमन बींग्स अगर एज आ मीट इस्तेमाल करेंगे तो शीप से थ्रू मीट ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है अब इसके अडल्ट्स जो हैं नॉर्मली लिवर फ्लू के अडल्ट जो हैं लीवर के साथ जो डक अटैच है जिसको हम बाइल डक्ट कहते हैं बाइल डक्ट के अंदर से ट्रेवल करते हैं और एग्स जो हैं इसके कॉमन डक्ट से ट्रेवल करते हुए इंटस्टाइन से चले जाएंगे और फिर इंटस्टाइन से डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट पोर्शन है जहाँ से बॉडी के वेस्ट पार्ट्स को एलिमिनेट किया जाता है इंटस्टाइन के थ्रू इसके एग्स जो है वो बॉडी के बाहर चले जाएंगे अब एग्स जो हैं अगर एक एनिमल एग्स को रिलीज़ कर देते हैं इसके जो कि इन्फेस्टिड हैं अब इन एग्स की डिफरेंट सूरतें हो सकती हैं या तो वो एनिमल्स एग्स फ्रेश वाटर में चले जाएंगे या फिर एग्स की बाद जो है इसकी डिफ़रेंट लार्वल स्टेजेस आ जाएंगी और उसमें से कुछ ऐसे लार्वल स्टेजेस हैं जो कि फ्री फ्री फ्लोटिंग भी हैं वो वाटर के अंदर लार्वा जो है वो फ्लोट करते रहेंगे टिल द टाइम इनको वहाँ में वाटर के अंदर आपको पता है फिर इनवर्टिब्रेट्स भी रहेंगे इनवर्टिब्रेट्स में एक कॉमन एनिमल जो कि स्नेल है वो भी मौजूद होगा अब इसके लार्वे या एग्स जो हैं नॉर्मली इनवर्टिब्रेट स्नेल के साथ आके अटैच करेंगे अब इस अगर स्नेल को एग्स भी अटैच हो सकते हैं या मायरा कीडिया लार्वा जो कि फ्री फ्लोटिंग है वाटर के अंदर मूव कर रहा है इस स्नेल के साथ अटैच हो जाएगा अटैच जब होगा तो स्नेल की बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं ये उन सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर लार्वा जो है वो पेनिट्रेट करेगा पेनिट्रेट करने के बाद इसकी अगली लार्वल स्टेजेस आएगी जिसको हम कहते हैं स्पोरोसिस अब स्पोरोसिस जो है दिस विल अगेन डेवलप इन टू अनदर लार्वा जिसको हम कहेंगे रेडियाई लार्वा और रेडियाई लार्वा जो है दिस विल अगेन डिवेलप्ड इन टू अनदर लाइफ स्टे जिसको हम कहेंगे करकेरिया या लार्वा यानी एक स्पोरोसिस जो है जब एग जो है अटैच करेगा तो इस इनवर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर एक एग्ज लार्वा दूसरे लार्वल फॉर्म में चेंज करेगा दूसरा तीसरे में चेंज करेगा तो इसकी लाइफ साइकिल के अंदर जितनी भी लार्वल फॉर्म्स हैं या चेंजेस हैं दे आर कंप्लीटड दिस इनवर्टिब्रेट बॉडी के होस्ट की बॉडी के अंदर जो कि इसके अंदर स्नेल है अब अब जब स्नेल की बॉडी के अंदर डिफरेंट लार्वल स्टेजेस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो करकेरिया लार्वा जो है ये अपने आप को नो दिस विल रिलीज़ इट्सल्फ फ्रॉम द स्नेल बॉडी अब स्नेल बॉडी से जब रिलीज़ करेंगे तो वहाँ पानी के अंदर कोई एक्वाटिक वेजिटेशन भी हो सकती है तो वो एक्वाटिक वेजिटेशन के साथ आके ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं अब उस एक्वाटिक वेजिटेशन को कोई भी वर्टिब्रेट लाइक शीप है उसकी फूड है वेजिटेशन जो है शीप की फूड है जब शीप उस वेजिटेशन को एज अ फूड इस्तेमाल करेगी तो वो शीप के अंदर चले जाएंगे और शीप जो है दैट विल गेट इन्फेक्टेड उसके अंदर जब उसकी बॉडी में चले जाएंगे तो उसमें ये इन्फेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो उसकी ग्रेजर्स हैं जितनी भी शीप्स हैं दे आर ग्रेजर्स और वो वेजिटेशन एक्वेटिक वेजिटेशन को एज अ फूड इस्तेमाल कर रही हैं अब इसमें आप ये देखें ये उसी शीप को अगर ह्यूमन बींग्स एज अ फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी बॉडी के अंदर हेपेटिका एंटर हो जाएगा बाय ईटिंग फ्रेश वाटर प्लांट दैट वाटर क्रॉसेज इट कंटेन्स एंडसिस्टेड मेटाकरकेरिया लार्वा अब इस लाइफ साइकिल से हम एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये लिवर फ्लोग इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट होस्ट को यूज़ करेंगे अपने लाइफ साइकिल के लिए इसको हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं लाइक यहाँ ये यह, देखें आप दीज आर द नॉर्मली एग्स दे आर डिपॉजिटेड एग्स जो हैं इसके दे डेवलप अब इन एग्स ने स्नेल इनकी बॉडी को मिल गया स्नेल में ये डिपॉजिट हो गए और एग्स जो हैं नाउ दे आर डेवलपिंग इन टू अनदर लार्वा मायरा लार्वा लारवा मायरा लारवा आप देखें दिस इज़ लिटल बिट फ्री फ्लोटिंग इसके इर्द गिर्द जो हैं ये सिलिया मौजूद है अब मारेकिडियम लार्वा जो है दिस इज डेवलपिंग इन टू नदर लारवा करकेरिया लारवा करकेरिया लारवा की ये टेल है अब इट इज़ अ स्विमिंग लारवा स्विमिंग लारवा जो है नाउ इट इज अटैचिंग इट सेल्फ ऑन टू सम प्लांट्स और जो इसकी फर्दर डेवलपमेंट में ये टेल जो है वो गायब हो गई है इसको हम कहेंगे मेटा करकेरिया लारवा अब ये मेटा करकेरिया लार्वा जो है इट इज़ इन इट्स इन्फेक्शियस स्टेज अब ये प्लांट्स या वेजिटेशन के साथ अटैच हो गया अब क्या हो सकता है कि शीप जो है इस वेजिटेशन को खाएगी या शीप भी कैटल भी हो सकती है खाने के बाद जो है इसको इसको एज अ फूड जो है दिस इज़ इन्जेस्टिड बाई ह्यूमन बींग्स अब ह्यूमन बींग्स के बाद जो है जब यह ह्यूमन बींग्स की बॉडी में चला जाएगा तो वहाँ पर इसकी प्लेस जो है दैट इज़ स्मॉल इंटस्टाइन ड्यूडिनम यहाँ पे एनसिस्ट होगी एनसिस्ट जो है दिस विल डेवलप इनटू टू अडल्ट लिवर फ्लूक तो बाइल डक्ट में चले जाएंगे यहाँ पे फिर इसके एग्स जो हैं या फीसिस हैं दे आर अगेन एलिमिनेटेड आउट तो इसमें लाइफ साइकिल इसका आप देखें एक्वाटिक इन्वायरमेंट ह्यूमन बॉडी या अदर आ, इन वर्टिब्रेड्स तो दोनों लाइफ के अंदर वर्टिब्रेड और इन वर्टिब्रेड के अंदर फसूलियापेटिका ट्रीमेटोडा लिवर फ्लूक अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है